तो गाइस अनंत अंबानी की शादी में हर जगह से काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे थे, पर WWE से अभी तक कोई नहीं आया था। पर ये चीज भी हो चुकी है और मुकेश अंबानी ने WWE से जॉन सीना को बुला लिया। ये काफी अनएक्सपेक्टेड मूव था जो किसी ने भी नहीं सोचा था, पर ये हो चुका। जॉन सीना अंबानी की ग्रैंड वेडिंग में पहुंच चुके हैं, जहां जस्टिन बीबर ने बिना फैंस को गुड बाय किए बिना चले गए थे। वहीं जॉन सीना ने सबको हाई किया और बहुत सारी फोटो क्लिक करवाई। और एक बात तो माननी पड़ेगी, जॉन सीना काफी हम्बल इंसान है। जॉन सीना 2025 के अंदर रिटायर होने वाले WWE से और उनका रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच रैंडी ऑर्टन के साथ हो सकता है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की राइवलरी काफी आइकॉनिक थी WWE के अंदर। ट्रिपल एच रेसलमेनिया के इतने बड़े मंच पर रैंडी ऑर्टन बनाम जॉन सीना करवा सकते हैं एक आखिरी बार। ब्रॉक लेसनर की एक और फोटो सामने आ चुकी है, जहां वो एक ऑफिसर के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर काफी पर्सनल इंसान है, पर काफी दिनों से ब्रॉक लेसनर की कई फोटो सामने आ रही है फैंस के साथ। ये देखकर साफ नजर आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर अब ज्यादा फैंस के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, वरना पुराना वाला बीस्ट ब्रॉक लेसनर सीधा मना कर देता था फोटो क्लिक करवाने के लिए। एलेक्सा ब्लिस ने अपने रिटर्न के लिए तैयारी शुरू कर दी है और उनका रिटर्न समर स्लैम के अंदर होने वाला है। बस देखना होगा एलेक्सा ब्लिस वाइट सिक्स के अंदर अपना रिटर्न करने वाली या फिर सिंगल रन के लिए अपना रिटर्न करने वाली है। तो गाइस जिम्मी उसो का रिटर्न नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर WWE करवा सकती है, क्योंकि रोमन रेंस का रिटर्न भी होने वाला है कुछ हफ्तों के अंदर। उससे पहले हमें जिम्मी उसो का रिटर्न देखने को मिलने वाला है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर जिम्मी उसो का रिटर्न करवा सकती है।